कहा कि समझा लो अपने बेटे को। पापा समझाते हैं, कहा भाई काशी एक दमे बह गया हो क्या, हाँ कहाँ कर से तुम, हाँ सब हद पार कर दिए, अबे ये सब करो घर में करता है क्या, जो करने बाहर करो आराम से। बाबूजी अब पूरा घर खाली रहा, एकदम झाम झाम सन्नाटा, वो जो सन्नाटा वाली सड़क होती ना वैसे ही जैसे बस खड़ी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेन स्विच किसने बनाया। ये अच्छा है, अब मेन स्विच कौन बंद करेगा, हमें क्या अंधेरे में रहने की शौक है। हाँ एक्चुअली बिट्टू बिजनेस वाले में एक सस्पेंस आया, एक थ्रिलर आया है, एक शैडो आया है, जिस शैडो को लेके बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है, तो हम उसी के बारे में सब अभी क्यूरियस हो रहे हैं कि कौन है, क्यों आया था, तो वो सब आप शो में देखने को मिलेगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग सा टर्न है अभी बिट्टू बिजनेस वाले में, तो यस मज़ा आ रहा है शूट करने के लिए और काफ़ी एक्शन और फाइट सिक्वेंस भी हो रही है। वही कोई किसी ने लाइट मेन स्विच ऑफ कर दिया है और फिर उसके बाद मैं जब छत पे जाती हूँ तो मुझ पे फ्लैश लाइट डालता है, तो ये एक मिस्ट्री है, एक मिस्ट्री मैन, एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है, तो वो जो सस्पेंस थ्रिलर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यस बिट्टी में आज को सस्पेंस आ गया है, क्या है सीन की अगर बात करें। मैं तो आटा गूंद रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ। मैं बिजली ठीक कर रहा हूँ जो कि चले गई है घर के अंदर, एक साया आने वाला है, एक भूत आने वाला है जो कि आप आगे आने वाले ट्रैक में देखेंगे, और वो कौन है क्या है ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, वो आएगा किसको खाएगा किसको उठा के ले जाएगा ये अभी तक रिवील नहीं किया है, और देखिए आगे। थोड़ा सा रिवील करना चाहेंगे, आखिर लाइट किसके ऊपर जा रहा है, आपको क्या है शक, किसके ऊपर जा रहा है। देखिए शक तो अभी किसी पे नहीं है, और अभी तो जस्ट हमें एक ऐसे फील हुआ है कि ऐसा कुछ है, बट हम श्योर नहीं है अभी कि घर में भूत है या कुछ है,